उदाहरण के लिए चैप्टर का नाम है मोशन, फिजिक्स का चैप्टर है ये। आज हम लोग जानेंगे मोशन के बारे में, टाइम के बारे में, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशन से। तो एक मोशन होता क्या है, मोशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोशन होता क्या है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आस पास में जब अपना प्लेस को, जगह को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जगह को, प्लेस को चेंज करता है किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। पहले के वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था आपको कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रेस्ट मतलब स्थिर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको, यानी स्थिर है, रुका हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये पहले हमने बताया था आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर टाइम के साथ अपने स्पेस, अपने प्लेस को, जगह को चेंज करता है, तो हम बताएंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, गति में है, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेशनरी है, रेस्ट में है। एक कार आती है और यहाँ पे वो कार रहती है, ठीक है। मान लो मैंने 7:10 पे इस कार को यहाँ पे देखा, हमने इस कार को 7:10 पे यहाँ पे देखा, 7:15 पे ये गाड़ी जो थी, ये कार जो थी यहाँ पे पहुंच गई। तो ये 5 मिनट के ड्यूरेशन में, यानी 5 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन था, इसमें ये कार क्या हुई, ये गाड़ी जो थी यहाँ से यहाँ, ये स्पेस ना, ये जगह था वो चेंज की है ना, अपने प्लेस को चेंज की। तो ये जो इसके अकॉर्डिंग जो ये प्लेस में चेंज आया, इस जगह पे, इस गाड़ी के प्लेस में जो चेंज आया टाइम के अकॉर्डिंग, तब हम क्या बोलेंगे कि ये कार जो है वो मोशन में है ना। ये कार क्या है, गतिमान है, ये कार मोशन में है, ठीक है। ये एक रिस्पेक्टिव चीज है ना, हमेशा जरूरी नहीं कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, चल रहा है, वो मोशन में है ही, वो रिस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। हम किसी भी चीज को ऐसे नहीं बोल सकते कि वो मोशन में है, जब तक कि हम उसके एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस को ना दें, है ना, कि किसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं उसको कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। जब तक हम एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं लेंगे, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि वो चीज मोशन में है या फिर रेस्ट में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक बस है, बस में दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बस में ही दो लोग बैठे हुए हैं और एक आदमी बाहर खड़ा है, एक आदमी बाहर खड़ा है और दो लोग बस में बैठे हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करें सेम टाइम की, तो 7:10 मान लीजिए, 7:10 पे ये बस इस जगह पे थी, और जैसे ही टाइम पास होता है थोड़ा देर, मान लेते 15 मिनट टाइम पास हुआ, और अब ये 7:25 हो रहा, 7:25 में ये बस यहाँ पे आ जाती है, ये दोनों बस के अंदर अभी भी है और एक लोग ये यहीं पे है बाहर। तो जैसे ही हम देखें कि ये 15 मिनट का जो डिफरेंस था, यानी टाइम चेंज हुआ, उसके साथ ही क्या हुआ कि ये बस का लोकेशन, यानी ये बस का प्लेस जो था, अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस इस आदमी को लेते हैं, है ना, हम मानते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, ये बस का जो जगह था वो तो चेंज हो गया, यहाँ पे था और ये यहाँ पे आ गया, है ना। लेकिन जैसे ही हम बात करें कि इसके रिस्पेक्ट में, इस आदमी के रिस्पेक्ट में जो बस के अंदर में था, तो 7:10 में भी इसके रिस्पेक्ट में ये आदमी जो था वो यहीं पे है ना। हम इस आदमी के मोशन या रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इस आदमी का लोकेशन क्या होगा, इसके अनुसार तो यहाँ से ये चेंज हो गया ना 15 मिनट में, लेकिन इस आदमी का जो लोकेशन था इसके रेफरेंस में, उसके बगल में जो बस में बैठा हुआ है उसके रेफरेंस में बात करें, तो उसके रेफरेंस में 7:10 में भी वो वहीं पे बैठा हुआ था और 7:15 में भी ये आदमी उसके उतना ही दूर बैठा हुआ था। तो क्या इसके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ इसका चेंज हुआ, जगह नहीं हुआ ना, तो ये टाइम जो है वो टाइम के साथ इसका जगह चेंज नहीं हुआ, प्लेस चेंज नहीं हुआ, तो हम इसके लिए ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, ये इसके लिए रेस्ट है, मोशन में नहीं, लेकिन इसके लिए मोशन में है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हैं, है ना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस किसका ले रहे हैं। ऐसे डायरेक्टली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ये नहीं बोल सकते कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, जब तक हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस का बात नहीं करते, है ना। अभी टाइम को पता है कि जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को चलने में, उसको हम टाइम में मेजर करते हैं,
डिस्टेंस पता हुआ है का डिस्टेंस, और फाइनली जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आया है मोशन के बाद वो हम लोग बात करेंगे स्पीड पे, है ना, कि स्पीड क्या होता है ना। एज अ डेफिनेशन हम स्पीड को डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, है ना। स्पीड को क्या डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड को डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसी स्पीड की, ये स्पीड होता क्या है, इस चीज को समझेंगे, है ना। यहाँ पे हम डेफिनेशन को लोगों बताया कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज स्पीड, है ना। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, जो चलता है अपने घर से स्कूल की तरफ। एक लड़का अपने घर से स्कूल की तरफ चलता है ना। अब ये जो लड़का अपने स्कूल गया तो ये स्कूल इसके घर से मान लीजिए 500 मीटर की दूरी पे था, ठीक है, 500 मीटर की दूरी पे था इसका स्कूल। ये घर है इसका, यहाँ पे उसका घर था और यहाँ पे स्कूल था, ठीक है। तो ये घर था और ये स्कूल, तो ये 500 मीटर की दूरी पे उसका स्कूल था। ये लड़का यहाँ पे 7:10 में स्टार्ट करता है, घर से निकलता है और 7:45 में स्कूल पहुंच जाता है, ठीक है। 7 इजीली कैलकुलेशन के लिए 15 मान लेते हैं, तो ये 7:15 में यहाँ से स्टार्ट करता है और 7:45 में यहाँ पहुंच जाता है। घर से 7:15 में निकलता है और 7:45 में स्कूल पहुंच जाता है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन हुआ, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 30 मिनट, है ना, 30 मिनट का टाइम स्पेंड हुआ ये 500 मीटर को ट्रैवल करने में, है ना। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, है ना। डिस्टेंस और टाइम का रेशियो स्पीड होता है। तो डिस्टेंस मेरा 500 मीटर था और मैंने टाइम कितना लिया, 300 मिनट इसको लिया चलने में, है ना। और इसको हम लोग पहले बता चुके हैं कि हर एक क्वांटिटी के लिए एक यूनिट होता है। तो ये जो मीटर है वो डिस्टेंस का यूनिट है, ये जो मिनट है वो किस का यूनिट है, टाइम का, है ना। ये डिस्टेंस का यूनिट, ये टाइम का यूनिट, है ना। तो यहाँ पे 500 मीटर चलने के लिए 30 मिनट का टाइम लगा, तो जो उसका स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, 50/3 मीटर पर मिनट का स्पीड है उसका, है ना। ये स्पीड अलग अलग हम लोग यूनिट्स में निकालते हैं, किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भी कहीं पे दिखेगा, है ना, किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड में भी दिख सकता है, मीटर पर सेकंड के भी यूनिट में दिख सकता है ना। यहाँ पे मेरा जो था वो मीटर पर मिनट में था, है ना। इसको हम चेंज भी कर सकते थे, मीटर पर सेकंड में भी लेकर आ सकते थे, 30 मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज कर दे तो हम इसको मीटर पर सेकंड में भी लेकर आ सकते थे। तो इस तरह से हम लोग अपना स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये था स्पीड का ओवरव्यू। अब बात करते हैं कि मेजरिंग स्पीड को मेजर करते तो कैसे करते हैं। एक डिवाइस होता है जिसके बारे में हमें जानने के लिए है, तुम लोगों जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। अक्सर देखे होंगे बाइक में या गाड़ी में एक मीटर लगा हुआ होता है जो कि स्पीड को बताता है कि कितने स्पीड से जा रहा है गाड़ी। वहां पे देखोगे ऐसा लिखा हुआ रहेगा किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर करके लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे एक मीटर ऐसे बना हुआ होता है, है ना। इधर होता है 10, 20, 40, 60, 80, 100 and 120। ये हमको बताता है कि अभी करंट जो गाड़ी है वो व्हीकल है वो कितने स्पीड में चल रहा है। जैसे ही वो यहाँ पे काटा अगर वो 40 पे जाता है, मतलब ये क्या बता रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रहा है ना। और ये 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि ये एक आवर में 40 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, है ना। ये टाइम और डिस्टेंस है, यानी एक घंटे में वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, ये उसका स्पीड बताता है ना। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या मतलब अपने सीखा, स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड निकालने कैसे जानते हैं लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला यहां से हमें निकल के आता है कि स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड को कंपेयर कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कि हम अगर एक रेस यूनिट में ले लें, जैसे अगर हम यहाँ पे बोले 50 किलोमीटर पर आवर है,
160 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे हम लोग पता कर लिए कि किलोमीटर पर आवर में यूनिट देखना मस्ट हो जाता है स्पीड में, तो ये 50 से बड़ा 60 है तो हम बोल सकते हैं कि ये बड़ा स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, 50 से बड़ा। लेकिन अगर यहाँ पे हम यूनिट को चेंज कर दें, है ना, अगर हम यहाँ पे यूनिट को चेंज कर दें, यहाँ पे हम बोले 100 किलोमीटर पर आवर एक व्हीकल जा रही है और दूसरा मैंने 1000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक व्हीकल जा रही है, 1000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है और 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा गाड़ी जो है वो तेज चल रही है ना, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या देखना है हमको कि ये यूनिट सेम नहीं है, है ना, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड में, हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते जब तक हम सेम यूनिट में इसको लेकर नहीं आते। तो हम सेम यूनिट में इसको कैसे लेकर आएंगे, या तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें या तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट कर लें, किसी एक को बदल दें।